नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। और इस वीडियो का मकसद है सिर्फ चार्ट एनालिसिस करना, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। यहाँ पे एक से दो स्टॉक्स सिर्फ बताए जाते हैं, उसमें क्या चार्ट पैटर्न्स हैं, क्यों मुझे पसंद आ रहे हैं और किस टाइम फ्रेम में मैं उस चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाइड करता हूँ, वो भी प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। सामने क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उस स्टॉक्स के, पर्टिकुलर स्टॉक्स में, वो भी आपको दिखा देता हूँ। और उसके साथ साथ किस मतलब इस स्टॉक्स में बाई सेंटिमेंट है या सेलिंग सेंटिमेंट है, वो भी आपको बता देता हूँ। और किस लेवल के ऊपर उसको बाई करना जरूरी होता है या सेल करना जरूरी होता है उस स्टॉक्स में, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो पे मिल जाता है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते जाए। टेलीग्राम चैनल मेरा एक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। चैनल का लोगो आप एक बार देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल में जाके इंट्राडे स्ट्रेटजीज करके अगर आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आपके सामने एक लोगो आएगा जिससे आप इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हो, और वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। उसमें हम लोग लाइव मार्केट में जो हमें पसंद आता है वो हम पोस्ट कर देते हैं, जो हम पोजीशन लेते हैं उसकी पोस्ट करते हैं, उसे बाहर नहीं करते हैं। और इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको अगर मैं टेलीग्राम में कुछ दूंगा तो मैं खुद भी सीरियस होके, खुद भी रिस्पॉन्सिबल होके, बहुत सोच समझ के उस स्टॉक्स को देखने की कोशिश करूंगा। तो इससे मेरा भी प्रैक्टिस बढ़ेगा, आपको भी एडुकेशन मिलेंगे, बस इतना ही मकसद है इसका। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करूंगा, क्योंकि आज से एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाला था, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीमेंट सेक्टर का इस दिग्गज स्टॉक्स में आया है जबरदस्त ब्रेकआउट। ये चौथे वीडियो था बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग का, और इसका फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट टारगेट 4650 या 4660 के आसपास था, आज इसने हिट कर चुका है, तो पार्शियल बुकिंग करना जरूरी है। उसके बाद 4850, ये जो लास्ट इसका रेजिस्टेंस एरिया है, इसके आसपास जाने की कोशिश जरूर करेंगे। और मुझे जो लगता है, अगर आपका व्यू 1 से 1.5 साल का है तो ये और भी बेहतर है। अगर आपका व्यू 1 से 2 महीने का है तो आप इस टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, नहीं तो आप रख के चल सकते हो, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट का फिलहाल पहला मूवमेंट्स आया है इसमें, और आप देख सकते हो इसका चार्ट्स बहुत बेहतर लग रहे हैं मुझे, इसीलिए मैंने बताया था। और बेस्ट ब्रेकआउट फॉर स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग का सीरीज डेफिनेटली देखना, प्लेलिस्ट में आप जाइए, जाके बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स का दूसरे और एक वीडियो जहाँ पे सेल की बात होती उसमें भी मैंने बताया था, अभी भी सेल ऊपर ही है। और चलिए अब इंट्राडे की बात करेंगे। सोमवार के दो स्टॉक्स अदानी पोर्ट, सबसे पहले बुलिश हूं इसमें, इसमें एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये जो जगह है ये इसका अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, जो 387 के आसपास है, लगभग आप राउंडिंग कर सकते हो। तो 387 के ऊपर चलना जरूरी है अदानी पोर्ट्स को, 387 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए तो पहला जो टारगेट या पहला आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो 391 के आसपास होगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो इसी जगह पे है, जो 394 आप लगभग कह सकते हो, 391 394, इसके दो टारगेट्स हैं। 387 के ऊपर चलना टिकना जरूरी है। ओके, अदानी पोर्ट्स हो गया। दूसरे स्टॉक्स हिंद पेट्रो की बात करूंगा, इसमें बियरिश हूं, एक में मैं बुलिश हूं दूसरे में बियरिश हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बन रहे हैं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को टूट के अगर नीचे चलता है तो भी बेचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप डाउन है, तो गैप डाउन एज ए सपोर्ट काम करता है। तो इसका जो नीचे का गैप डाउन जहां से इसने सॉरी गैप अप है, मैंने गलती कहा, यहाँ पे गैप अप है, और यहां से जहां से गैप अप लिया गया है वो एक सपोर्ट का काम करेगा, और वो जो वैल्यू है वो 242 के आसपास है। 242 के नीचे टिकना जरूरी है हिंद पेट्रो को 242 के नीचे सस्टेन करने दीजिए। जो नेक्स्ट टारगेट है या नेक्स्ट सपोर्ट है वो 238 आपका होगा पहला टारगेट, दूसरा 235 आपका दूसरा टारगेट होगा।
और अगर आप इसमें एक सेंटिमेंट पीछे से देखो तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड इम्पल्सिव मूव आने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया गया था, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ पे ही धीरे धीरे टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है और धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत शार्पली गिरेगा, क्योंकि इसका पीछे का जो सेंटिमेंट है वो थोड़ी सी वीक है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी बियरिश बन के चल रहा हूँ। क्योंकि अगर इसको जाना होता तो ये बहुत जल्दी यहाँ से बाउंस बैक कर लिया होता, मगर इसने अभी तक बाउंस बैक नहीं किया है। इसी सेंटिमेंट के कारण मैं इसमें थोड़ी सी बियरिश हूँ। हो सकता है यहाँ से वापस वो बाउंस बैक कर ले, मगर अगर इन 242 के नीचे आते हैं तो एक सेलिंग क्राइटेरिया के अच्छे स्टॉक्स माना जाएगा हिंद पेट्रो को। तो सो हिंद पेट्रो और अदानी पोर्ट्स को आप रख दीजिए और आप इसको फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। वहां से लाइव मार्केट की जो व्यूज आपको दिखेगा उसी टेलीग्राम चैनल से दिखेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जिससे और लोगों के पास पहुंचे और उसको भी हेल्प हो। थैंक यू।